हेलो के पहले मतलब मैंने इतना टाइम डाला है ये एग्जामिशंस के लिए बिकॉज ये एग्जामिशन थोड़ा सा ट्रिकी है ये इस पे मेमोरी टेक्निक बनाने के लिए सो वी मेड मेमोरी टेक्निक्स ऑन डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट बाद में टी पे मेमोरी टेक्निक बनाया है उसके बाद हम लोग ने सैलरी पे मेमोरी टेक्निक बनाया है एंड नाउ दिस इज अंडर जीएसटी नाउ ये मेमोरी टेक्निक थोड़ा सा अलग है बाकी मेमोरी टेक्निक से वॉट हैव डन इज मैंने दो पेजेस में पूरा uh, का चैप्टर कवर किया है कोर्स uh, ये एक बार पढ़ के तुम लोगों को नहीं याद रहेगा आपको दो से तीन बार एटलीस्ट ये सुनना पड़ेगा या देखना पड़ेगा बिकॉज़ काफी सारे फोटोज के माध्यम से आई हैव इंश्योर दैट यू विल रिमेंबर एवरीथिंग ये मेमोरी टेक्निक पब्लिश करने के पहले मतलब बनाने के बनाने के बाद uh, वीडियो बनाने के पहले मैंने ये 20 टू 25 स्टूडेंट से uh, uh, उनको दिखाया था और एंड आई वांटेड टू इंश्योर दैट यू नो कि ये मेमोरी टेक्निक इज हेल्पफुल फॉर यू दे लव्ड द मेमोरी टेक्निक सो GST ka में बताना आपके कॉमेंट्स पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगता है और ऐसे होता है नेहन कर रहे तो मेहनत का कोई किसी न किसी को तो फायदा हो रहा है राइट right? अच्छा लगता है कॉमेंट सीखने के बाद एक बार डेफिनेटली करना देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक रोड का हम लोग एक रोड पे चल रहे तीन रोड के हिस्से किए मैंने सबसे पहले सबसे पहले एक चैरिटेबल ट्रस्ट है दूसरा एक एग्रीकल्चर करके पार्ट है एग्रीकल्चर है और तीसरे स्कूल है ठीक है सबसे पहले रोड के दो पार्ट्स होते हैं बराबर है, है रोड का लेफ्ट हैंड साइड रोड का राइट हैंड साइड सो यू आर गोइंग इन दिस डिरेक्शन रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद का एक चैरिटेबल ट्रस्ट था किसका सनराइजर्स हैदराबाद का नाउ सनराइजर्स हैदराबाद का क्यों? बिकॉज अगर तुम लोगों को याद होगा तो चैरिटेबल ट्रस्ट में एक पॉइंट था चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट में कि अगर रिलीजियस ट्रस्ट के सामने जो शॉप्स होते हैं ना शॉप्स

टेन थाउजेंड के नीचे अगर पर डे का रेंट होगा एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्स फ्रॉम टैक्स याद रखना सन हैदराबाद हैबाद टेन थाउजेंड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड इज सन राइजर्स के लिए वन थाउजेंड हैदराबाद के लिए टेन थाउजेंड टेन वन टेन एक नंबर ओके ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ये दिख रहा था राइट हैंड साइड में कोई लोग नग नाच रहे थे एरोबिक्स कर रहे थे एरोबिक्स एरोबिक्स करने के बाद उनका प्लान था कि चारधाम यात्रा करके आएंगे और उसके बाद उनका प्लान था कि वो लोग गाने गाएंगे सो बेसिकली एरोबिक्स कर रहे थे उसके बाद प्लान था चारधाम यात्रा करेंगे और उसके बाद वो गाने गाएंगे। एक नाचना भी है बाद में चारधाम भी जाना है उसके बाद गाना भी गाना है एक साथ नहीं हो सकता तो इसके वजह से उन्होंने बोला कि टैक्स लगाओ तो दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी अरेंज किया इट इज टू बी एक्ट फ्रॉम टैक्स और अगर कौन से चैरिटेबल ट्रस्ट ने एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का सर्विस दिया किसको ये लोगों को जो रूरल एरिया में रहते हैं एंड जिनका एज इज मोर देन 65 इयर्स इनको अगर सर्विस दिया होगा तो दोस्तों दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एकदम बराबर है सही है एकदम ओके okay. नाउ अभी इसमें याद रखना चारधाम यात्रा में जो जो लोग जो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड जो आ, 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 ये लेके जाता है किस सर

मिलिंग ऑफ राइस उसके राइट हैंड साइड में कॉफी था और उसके नीचे जागरी था अभी राइट राइट हैंड हैंड साइड साइड पे पे देखते हैं रोड के राइट पे, ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे ऊपर देखो ऐसे दो लोग दो दिख रहे फ्यूमिकेशन सर्विस मार दे, दे रहे तो के के हैं ना तो उसके बाजू में क्या है टिक है मतलब जीएसटी लग जाएगा जो फार्म 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 जो है ना फार्म उसके अंदर अगर फ्यूमिकेशन का सर्विस देते तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा बराबर ओके okay. उसके बाद पैकिंग का बात करते हैं पैकिंग के केस में जो जो रिटेल पैकिंग होता है ना छोटे छोटे पैकेज बनाते हैं रिटेल पैकिंग विच इज दिस इज फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये इस पे जीएसटी लग जाएगा बट अगर मैंने पैकिंग का सर्विस दिया दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स

प्लीज समझो हम लोग पहले जो रोड से जा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे सनराइजर्स हैदराबाद का टेन थाउजेंड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड का मुझे ट्रस्ट दिखा राइट हैंड साइड पे जब दिखा तभी लोग क्या कर रहे थे एरोबिक्स कर रहे थे गाना सॉरी चारधाम यात्रा करके और गाना गा रहे थे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल बट अगर स्पोर्ट्स का देखा एक्जेम्ट है एंड एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट रूरल एरिया में मोर देन सिक्सटी फाइव को अगर सर्विस दिया इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल थोड़ा आगे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे चार चीजें थी विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर दीज आर द फोर पॉइंट्स बराबर है उसके बाद राइट हैंड साइड पे देखा दो लोग थे जो मास्क पहन के थे मतलब मार्केट. राइस का हम, लोग ने बात किया. अभी हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोगों को दोनों साइड पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दिखे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें क्या था देखो लेफ्ट चार चीजें डिस्कस करूंगा और वो चारों चीजों चार चार चीजें चारों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल भी, 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 uh, भी हो कि उसने सर्विस दिया फैकल्टी स्टूडेंट स्टाफ को एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एंट्रेंस एग्जाम रखा और उसके लिए फीस होंगे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स अगर हम मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दिया इन रिलेशन टू एग्जाम रिलेटेड सर्विस याद रखना एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स एकदम बराबर नो प्रॉब्लम ओके नाउ तीन पॉइंट्स कौन से किए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सर्विस दिया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम लिया था और मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम रिलेटेड सर्विस दिया एवरीथिंग विल बी फ्रॉम टैक्स उसके hostel, बात. अगर वो, कैंटीन जो है, वो कैंटीन चलाने के लिए आउटसोर्स किया है थर्ड पार्टी को वड़ापाव वाली गर्ल दिल्ली के ना वड़ापावाली गर्ल उसको मैंने आउटसोर्स किया है

इग्नोर कर लेना एकदम इंस्टीट्यूशन सर्विस देते हैं क्या करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस देते हैं कौन कौन क्या क्या सर्विस देता है देखो ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स का बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स का बात करेंगे ये लोग जो नीचे चार चार पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो चारों पॉइंट्स are are going to 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 be applicable when the goods, when the services are given to the the goods services given school only not to college, not college anything else ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैकल्टी स्टूडेंट एंड स्टाफ मैं ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करता हूं मैंने स्कूल को, को सर्विस दिया इट इज गोइंग टू बी एग्जाम शेफेफ मैंने ये स्कूल को सर्विस दिया केटरिंग का जो स्पॉन्सर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी से इसका मतलब वो मिड डे मील्स बेसिकली देन इन दैट केस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्ट स्कूल को दिया तो ही एग्जाम उसके बाद था एकदम कड़क सिक्योरिटी सिक्योरिटी का सर्विस दिया एग्जाम फ्रॉम टैक्स स्कूल को दिया होगा तो क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग होगा एग्जाम फ्रॉम टैक्स स्कूल को दिया होगा तो एकदम प्रॉपर है कुछ प्रॉब्लम नहीं है Okay. और और एक पॉइंट है अगर कोई भी आई आई एम का कोर्स होता है ये अलग पॉइंट है आई आई एम का कोर्स होता है इफ दैट कोर्स इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जिसका ड्यूरेशन इज लेस देन वन ईयर तो उस पे जीएसटी हमेशा लगता है एग्जemption इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स एकदम बराबर आई विल गिव यू अ मिनट जस्ट टू सी दिस एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम रिलेटेड सर्विस एंड मेस सर्विस उसके बाद चार लोगों ने स्कूल्स को सर्विस दिया था ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग परफेक्ट एकदम उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस पे देखो दिस पूरा पूरा पेज, पेज को मैंने वाला जो रिमेनिंग पेंडिंग है वो मैंने लिखा है ठीक है तो वन टू थ्री ऐसे हम लोग बकेट्स में याद रखेंगे सबसे पहला बकेट फर्स्ट थ्री का है फर्स्ट थ्री है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स

अभी नेक्स्ट बात करते हैं रोड का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी रिलीफ मटेरियल ट्रेवल कर रहा है ना ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना तो ही सिर्फ एक्सम्शन मिलेगा रिलीफ मटीरियल ये रिलीफ मटेरियल है बराबर ओके okay. ये मतलब ये नहीं बाकी की चीजें उसके बाद उसके बाद है रोड ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट बाकी के जो रोड ट्रांसपोर्ट होते हैं ना रोड ट्रांसपोर्ट अगर कुछ भी रिलीफ मटेरियल अगर दे रहे ना तो एवरीथिंग विल बी व्हाट एक्जेंट फ्रॉम टैक्स एकदम बराबर नो no प्रॉब्लम अभी रोड के केस में तीन चीजें देखी डीटीडीसी देखा जीटीए देखा एंड अदर रोड ट्रांसपोर्ट देखा ठीक है उसके बाद देखते हैं वेसल का अभी वेसल के केस में क्या होता है वेसल के केस में भी अगर कोई भी रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इट इज गोइंग टू बी व्हाट एग्जाम फ्रॉम टैक्स और अगर रेल के केस में भी अगर कोई भी रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इट इज गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स बट अगर अदर देन रिलीफ मटेरियल कोई भी प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल मतलब रेल वेसल या मे बी जीटीए भी अदर देन कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा ये दूसरा भी कोई होगा अदर देन अदर देन रिलीफ मटेरियल करता होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा बराबर एकदम ये एक बार देख लेना डी टी डी सी ऑलवेज टैक्सेबल और बाकी सब कुछ रिलीफ मटेरियल दिया तो ही टैक्सेबल होगा एकदम बराबर दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आई होप दिस इज हेल्पिंग यू

क्रूज uh, है ऑलवेज टैक्सेबल उसके बाद ये एसी ट्रेन है ऑलवेज टैक्सेबल या फिर ये प्राइवेट जेट है ऑलवेज टैक्सेबल नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे टैक्सेबल सब एसी का देखा क्रूज का देखा है, समझ में आ जाएगा एग्जाम में बट अगर मैंने राइट हैंड साइड का बात किया देखो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी नॉट टैक्सेबल स्टेज कैरेज नॉन एसी नॉट टैक्सेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय वेसल्स मतलब वेसल में भी जो प्राइमरी पर्पस इज ट्रांसपोर्टेशन नॉट लग्जरी नॉट एंटरटेनमेंट देन इट इज गोइंग टू बी एग्जम्ड फ्रॉम टैक्स अभी देखो मेट्रो मोनोरेल सॉरी मोनोरेल मेट्रो एंड ट्रैम ट्रामवे ये सब कुछ एग्जम्प्शन में आ जाएगा इवन दो दिस इज एसीए ये एसी है तो भी ये एग्जम्प्ट में आ जाएगा उसके बाद हम लोगों के पास तीन चीजें हैं एम 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 टैप्स एंड एनबीए व्हाट इज दिस एम मतलब क्या मणिपूर मिजोरम एंड uh, uh, मेघालय मणिपूर मिझोरम मेघालय त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, एन मतलब नागालँड बी मतलब बागडोगरा एंड ए मतलब आसाम अगर इधर तुम्हारा डिपार्चर हो रहा है,

कि टैक्सेबल में क्या क्या था एक्सम्स में क्या क्या था यू विल बी एबल टू एवरी डैम थिंग इन द एग्जाम बराबर एकदम हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस हेल्थ केयर सर्विस में याद रखना कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट होगा डॉक्टर होगा पैरामेडिक्स होगा इन्होंने अगर ये पेशेंट को सर्विस दिया होगा इट इज गोइंग टू बी एग्जेट बट अगर मैंने कुछ प्लास्टिक सर्जरी किया

फाइव थाउजेंड रुपीज तक का अगर रूम रेंट होगा तो इट इज गॉट एप्लीकेट इज ऑलवेज एक्ट इधर पांच हजार का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा एंड अगर वैसे देखा तो हेल्थ केयर सर्विस में इतना ही है अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट लाइन में क्या देखा दोस्तों सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स देखा उसके उसमें क्या road, था रोड वेसल एंड रेल था बराबर उसके बाद था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड तीसरा था केयर सर्विस अभी हम लोग बात करते हैं इसका ये देखो क्या है <coughs> मैंने कुछ सर्विस दिया है टू स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया अभी किसने किसने दिया देखो फोटोज याद करो सबसे पहला रवि शास्त्री अभी रवि शास्त्री समझो कि अ कोच मैनेजर कोच। नाउ शास्त्री कोच है ये मैनेजर है एंड ही ये रेफरी है और ये प्लेयर है वापस देखेंगे वापस देखो एक बार देखो दूसरे बार आंख बंद करके याद करना कोच है मैनेजर है ऐसा अंपायर है बराबर उसके बाद ऐसा करने वाला रेफरी है और उसके बाद अपना थला है मतलब कौन अपना धोनी है मतलब प्लेयर है अभी आंखें बंद करो लिटरली आंखें बंद करो और सुनो सबसे पहले कौन था रवि शास्त्री था रवि शास्त्री सबसे पहले कोच मैनेजर अंपायर राइट हैंड साइड पे कौन है राइट हैंड साइड पे रेफरी है एंड प्लेयर है

दूसरा आता है कमेंटेटर कमेंटेटर मतलब जो कमेंट्री करता है उनको बोलते हैं कमेंटेटर कमेंटेटर ने जो भी सर्विस दिया उस पर भी जीएसटी लगता है एंड जो दादा है ही इज अ सिलेक्टर 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 मतलब क्या selector ने जो भी सर्विस दिया वो भी जीएसटी लगता है इन सिंपल वर्ड जो लोग एसी में बैठते हैं जो लोग एसी में बैठते हैं उन उनपे जीएसटी लग जाएगा जो लोग ग्राउंड पे एक्चुअल काम करते हैं या डकआउट में बैठे रहते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा

ये जो मुकेश भाई है ना मुकेश भाई क्या करते हैं अभी बहुत पैसा कमाया अभी एक काम करते हैं हम लोग ये मेरे पास बहुत सारे व्हीकल्स है वो लेट आउट करते हैं और लास्ट के पांच सात मिनट ठीक है ये लेट आउट करते हैं जो मेरे पास व्हीकल्स है अगर मैंने मेरा व्हीकल लेट आउट किया है रेंट किया है मोटर व्हीकल का टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं

ये पर्सन को बस रेंट पे दिया और ये पर्सन क्या कर रहा है तो एग्जाम तो हो जाता है बट अगर इसको जरूरत होगा और इसको जरूरत किसके लिए है स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को स्कूल के ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस देने के लिए तो इसको एक बस की जरूरत है तो मुकेश भाई ने इसको ये बस दे दी ये एग्जेमशन कभी मिलेगा ओनली वेन दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्कूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ तो ही इसमें एग्जामेशन मिल जाएगा बराबर और मुकेश भाई ने अगर लोकल अथॉरिटी को ईवी दिया है ईवी ये मुंबई का बस है ये मुंबई का बस है ईवी दिया है

रेंटिंग में ऊपर घर था नीचे कमर्शियल था घर के केस में मुकेश अंबानी को दिया तो आरसीएम अगर ऋतिक रोशन कहते तो फ्रॉम टैक्स बराबर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर मुकेश अंबानी को दिया होगा कमर्शियल प्रॉपर्टी तो याद रखना कभी भी एफसीएम ही एप्लीकेबल होगा आरसीएम कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा एकदम परफेक्ट और उसका नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस एट द लास्ट मतलब ये लास्ट पॉइंट है दैट इज जू

बट कौन सा भी कौन सा शो होगा या आईपीएल का टिकट होगा पांच सौ रुपए के ऊपर अगर कोई गया ना पांच सौ के ऊपर कोई गया ना देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी व्हाट टैक्सेबल सो ये 600 है ना इसकी वजह से टैक्सेबल हो जाएगा सो so, कौन से कौन से इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें नहीं कवर की है वे तुम लोगों को अलग से कवर करना है और इसके लिए मेरे समराइज वर्जन नोट्स के समराइज्ड वर्जन तुम लोगों के पास अवेलेबल होंगे इन माय टेलीग्राम ग्रुप प्लीज एक बार उसमें देख लेना ये सबका मैं समराइज्ड वर्जन दे दूंगा गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन का कोऑपरेटिव सोसाइटी का का सर्विस एकदम समरी बना हैव नॉट कवर्ड इन आता है एपीएमसी में ऊपर चार पॉइंट्स थे राइट हैंड साइड पे उस पे पांच पॉइंट्स थे बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए थे उसके बाद हम लोग ने देखा था नीचे नीचे जो भी हम लोग ने सोचा तभी हम लोगों के पास तीन तीन तीन, तीन थे सबसे पहले तीन कौन से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के बाद हेल्थ केयर सर्विस। उसके बाद क्या था उसके बाद था इधर जो अपना स्पोर्ट्स एजुकेशन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन को रेकोग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट और रेकोग्नाइज स्पोर्ट्स एसोसिएशन

पांच सात मिनट एक बार डालना एकदम शांति से पूरा पीडीएफ देखना आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग इन एग्जामेशन मैंने लोगों से चेक किया है लोगों ने दो तीन बार पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि भैया मजा आ गया आई एम श्योर दैट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर तुम लोगों को जेन्यूनली अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताना इट्स बीन ट्वेंटी फाइव मिनट्स अप्रोक्सीमेटली तो अगर ट्वेंटी फाइव मिनट्स में आपका अगर का मेजोर मेजोरिटी पार्ट भी होता है ना इट इज अ विन फॉर मी सो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे सब कुछ मैंने इस मेमोरी टेक्निक में कवर किया है अगर अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लाइक करना शेयर करना लोगों के साथ दोस्तों के साथ एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दिस इज अमित महाजन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय सी यू एंड टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट बाय बाय टेक केयर